सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह की इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ तमाम गर्मा गर्म खबरों के बारे में। दोस्तों, देश में फिलहाल बहुत सारी सिचुएशन सामने आ रही है। चीन सेना के साथ भारतीय सेना का बॉर्डर पर तनाव हो या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार बातें होना हो, उसके ट्रायल्स के बारे में बातचीत हो या फिर सरकार का हमारे देश के बारे में कई अहम फैसले लेना हो, डॉक्टर हर्षवर्धन का कोरोना वैक्सीन को लेकर बयान देना हो, लोगों के सवालों के जवाब देना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में लगातार सामने आ रही हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो फिलहाल दोस्तों, हम आगे ले जा रहे हैं आज की इन सुर्खियों की ओर, जहां आपको हम सबसे पहले बताने वाले हैं हमारे देश में कोरोना की क्या स्थिति है, किस प्रकार कोरोना के केसेस में इंक्रीजमेंट है, किस प्रकार से जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं, कैसे उनकी सिचुएशन बनी हुई है वर्ल्ड वाइड और कैसा हमारा यहाँ पर मृत्यु दर चल रहा है। पीएम राष्ट्रपति से सीजीआई तक एलएसी पर तनाव के बीच 10,000 भारतीयों की जासूसी के लिए चीन की साजिश। 2020 में नहीं 2021 में आएगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया सबसे पहले किसे लगेगा टीका। ट्रंप का दावा, मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर किए गए काम के लिए मेरी सराहना की। 10 सितंबर को ही एसबीआई ने ग्राहकों को दे दिया झटका, ये हुआ बदलाव। मात्र 150 रुपए के बदले पा सकते हैं 19 लाख रुपए, ये है पूरी स्कीम। कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को 50% तक सैलरी देगी सरकार, कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना काल में इस कंपनी ने निकाली बंपर भर्ती, 30,000 पदों पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो के आगे शुरुआत करें, खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपसे बस एक ही बात कहनी है, और वो बात ये है कि आपके लिए इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत की आप कदर करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, इस बात से हम पूरी तरह वाकिफ हैं। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए और हम आप तक ऐसे ही खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। बस इसी तरह से आप अपना प्यार बस अपने विचारों से हमें कमेंट सेशन में बता दीजिए और अपना प्यार जता दीजिए वीडियो को लाइक करके, और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। कोरोना वायरस के नए आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड 3,07,000 नए मामले सामने आए, वहीं 5,537 लोगों की जान गई। 24 घंटे में सामने आए कुल मामलों में हर तीसरा संक्रमित मरीज भारतीय है। इससे पहले 6 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए, जब 24 घंटे में कुल नए कोरोना मरीजों की संख्या 3,06,857 तक पहुँच गयी। इसमें सबसे ज्यादा मामले भारत, अमेरिका और ब्राजील से हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में 94,372 नए मामले हैं, अमेरिका में 45,523 नए मामले और ब्राजील में 43,718 नए केस मिले। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, स्थिति युद्ध की है। चीन लगातार कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। इस बीच चीन ने नापाक इरादों का एक और खुलासा किया, ऐसे वक्त में जब भारत ने कई चीनी कंपनियों पर बैन लगाया है और हालात तनाव भरे हैं, तब इस तरह का खुलासा चौंकाने वाला है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज कंपनी शेंजेन भारत में करीब 10,000 लोगों की निगरानी करती है। इस कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। इस चीनी कंपनी की करीब 10,000 भारतीयों पर नजर है, जिसमें पीएम से लेकर एक मेयर तक शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से जिम और योगा सेंटर खुल पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार जिम और योग संस्थान को तुरंत प्रभाव से खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन इस दौरान इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू करना होगा। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी 3 नगर निगमों NDMC, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड ने एक जोन में एक दिन एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली में करीब 5,500 जिम खुल पाएंगे। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने LAC के पास टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की भी ताकत बढ़ाई जा रही है। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव बना है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए शनिवार को चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता अनिर्णायक रही। इस बीच LAC पर हालात बहुत तनावपूर्ण है। चीन सीमा पर टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, AH-4 होवित्ज़र गन्स, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल्स, LAR-751 लाइट मशीन गन, W-85 हैवी मशीन गन और एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल्स के साथ भारत को चुनौती दे रहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक और गिरफ्तारी की है। अब स्पेशल सेल ने कार्यवाही करते हुए उमर खालिद को गिरफ्तार किया। उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया। उमर खालिद की गिरफ्तारी UAPA के तहत हुई। सूत्रों के अनुसार उमर खालिद को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि PM ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए उनके कामों की सराहना की। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर पूर्व प्रशासन के दौरान स्वाइन फ्लू से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहने को निशाना साधते हुए दावा किया था कि मोदी ने COVID-19 की जांच को लेकर किए गए काम में उनकी सराहना की। ट्रंप ने नेवादा के रिनो में चुनावी रैली में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फोन करके कहा, आपने जांच के मामले में बेहतरीन काम किया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वैक्सीन के आने के बाद सरकार का पूरा फोकस हाई रिस्क वालों पर होगा। बीमार, बुजुर्ग, हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले दी जाएगी वैक्सीन। वैक्सीन कब तक आ सकती है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अभी देश और दुनिया में ट्रायल चल रहे हैं और हम अभी ये यकीन से नहीं कह सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली और सुरक्षित होगी, लेकिन संभावना है कि साल 2021 की पहली तिमाही तक हमें अलग अलग वैक्सीन ट्रायल का नतीजा पता लग जाए। रुकिए जरा, वीडियो खत्म नहीं हुई है अभी। खबरें अभी भी लगातार जारी रहेंगी क्योंकि देश में लगातार बहुत सारी हलचलें हैं जिनकी एक एक सही सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि देश में पेट्रोल डीजल के क्या भाव हैं और कैसा है हमारे देश का मौसम का हाल। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को आम आदमी को बड़ी राहत मिली। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.72 रुपए और डीजल 72.78 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 88.38 और डीजल 79.29। कोलकाता में पेट्रोल 83.23 और डीजल 76.28। चेन्नई में पेट्रोल 84.72 और डीजल 78.12 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। IMD ने अगले 5 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। IMD ने कहा, दिल्ली में 2 दिन बाद आंशिक बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम ब्यूरो ने अगले 2 दिन के लिए ग्रीन और बाद वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी व्यापक वर्षा का अनुमान जताया। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच में ड्रग्स एंगल की पड़ताल कर रही नारकोटिक्स ब्यूरो ने छापेमारी जारी रखी है। आज NCB की टीम ड्रग पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर सुबह से छापेमारी कर रही है। सूर्यदीप रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित का स्कूल फ्रेंड है और उसके कई चैट सामने आए। सूर्यदीप को थोड़ी देर में NCB दफ्तर लाया जा सकता है। वहीं रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन के पकड़े साथ ड्रग्स पेडलर्स को आज ACMM कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हॉलीवुड के फेमस एक्टर और मार्वल यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका क्रिस एवांस हाल ही में चर्चा का विषय है। असल में हाल ही में क्रिस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने परिवार के साथ बिताए समय की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर किया। इस रिकॉर्डिंग में वो परिवार वालों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वीडियो के अंत में गलती से उनके फोन की फोटो गैलरी की इमेज भी रिकॉर्ड हो गई। जब वो वीडियो शेयर किया गया तो फोटो भी सामने दिखा। हालांकि क्रिस ने जल्दी से वीडियो को डिलीट किया, लेकिन बहुत तेजी से लोगों ने उनके वीडियो को देखा और शेयर करना शुरू कर दिया। दुनिया भर में एक्टर के लाखों करोड़ों दीवाने हैं जो अपने फेवरेट क्रिस के सपोर्ट में उतर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के काल में त्योहारी मौसम के लिए ई कॉम एक्सप्रेस कंपनी 30,000 लोगों को नौकरी देने की योजना बना रही है। सामानों की डिलीवरी समेत लॉजिस्टिक सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी ई कॉम एक्सप्रेस ने अगले कुछ हफ्तों में लोगों को हायर करने की योजना बनाई है। ये रोजगार अस्थायी होंगे। कंपनी ई कॉमर्स कंपनी से त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नए लोगों की भर्ती की योजना बनाई है। प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी और हम त्योहारों के दौरान 30,000 अस्थायी रोजगार सृजित करने की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को झटका दिया। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। इससे पहले SBI ने 27 मई को FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया। अगर आप SBI में फिक्स डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं तो फिर नए रेट के बारे में जान लें। बैंक ने 1 साल से लेकर 2 साल से कम की अवधि वाली FD पर ब्याज दर में 0.20% की कटौती की। अब 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम की FD पर इस बैंक में 4.90% का ब्याज मिलेगा, जबकि इससे पहले बैंक 5.10% ब्याज दे रहा था। नई ब्याज दरें 10 सितंबर से लागू हो गई हैं। कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरी चली गई, ऐसे में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच सरकार ने उनके लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जो उन्हें इस मुश्किल की घड़ी से निकालने में मदद कर सकता है। इसका नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। इसके तहत कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को 50% तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। जिन लोगों की नौकरी 24 मार्च के बाद गई है उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 3 महीने की 50% सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दी जाएगी। बेरोजगार हुए कामगारों को ESIC शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी है। LIC में करोड़ों लोगों ने निवेश किया है। इसी में एक योजना है न्यू चिल्ड्रंस मनी बैंक। इस योजना में आप हर रोज 150 रूपए निवेश के बदले 19 लाख रूपए पा सकते हैं। LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैंक योजना नॉन लिंक्ड मनी बैंक प्लान है। इसे खासतौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया है। LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैंक योजना में जन्म के बाद से ही निवेश किया जा सकता है, यानी कि आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 0 वर्ष है। वहीं बीमा लेने की अधिकतम आयु 12 वर्ष निर्धारित है। योजना में न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रूपए निवेश की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इन खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। खबरें आप तक यूं ही लगातार पहुंचती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार पता चलता रहे कि वीडियो कब कब आ रही है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। और फिर साथ ही अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने आप को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अपने थॉट्स भी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।